गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 5। आज आप करेंगे एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 4 में है आपका दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करिए। चैप्टर पिंजरे में शेर। चैप्टर है पिंजरे में शेर और एक्सरसाइज है 4 और 5। पेज नंबर है 86। मूर्ति, मूर्ति का वर्ण विच्छेद करना है, शब्द विच्छेद नहीं करना है, वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण मीन्स होता है अक्षर और अक्षरों का विच्छेद करना है। जैसे मूर्ति तो माँ, फिर बड़ा ऊ बनेगा, फिर प्लस लगाइए, फिर रा ता बनाएंगे मूर्ति, फिर द्वार दा प्लस वा प्लस आ प्लस रा, फिर है भट्टी तो भट्टी में भा प्लस आ प्लस टा फिर प्लस ठा और प्लस बड़ी ई, फिर है प्रारंभ तो प्रा प्रा में पा प्लस रा प्लस आ प्लस रा प्लस मा प्लस भा प्रारंभ। बुद्धिमत्ता बा प्लस छोटा ऊ प्लस दा प्लस ई प्लस धा प्लस मा प्लस ता प्लस ता और प्लस आ बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट पुरस्कार पा प्लस ऊ प्लस रा प्लस सा प्लस का प्लस आ प्लस रा पुरस्कार। एक्सरसाइज 5। कार्य हो रहा है इसे क्रिया का वर्तमान काल कहते हैं। कार्य समाप्त हो चुका है इसे क्रिया का भूतकाल कहते हैं। कार्य होगा इसे क्रिया का भविष्यकाल कहते हैं। सभी बच्चे वाक्यों में क्रिया रेखांकित कर काल बताइए। वह अपने साथ एक पिंजरे में कैद शेर की मूर्ति लाया था। तो लाया था, पहले जो लाया था वो मतलब क्या है, भूतकाल है, तो यहाँ पे लिखेंगे भूतकाल। खा नंबर, महाराज शेर की मूर्ति पिघल रही है, ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। गा नंबर, यह पिंजरा चारों तरफ से बंद है। बंद है इसका मतलब है कि पहले से ही बंद है, तो यहाँ पे हो जाएगा भूतकाल। नेक्स्ट घा नंबर, बीरबल ने पिंजरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, क्योंकि जब बीरबल ने निरीक्षण किया तो क्या किया, वर्तमान काल में। नेक्स्ट महाराज आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा मतलब क्या होगा, भविष्य काल। ओके स्टूडेंट, तो आप एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 दोनों कंप्लीट करके हमें सेंड करेंगे।
ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।